खजुराहो, ये है खजुराहो, मध्य प्रदेश। पर्यटन का जब नाम आता है तो सबसे पहला नाम आता है खजुराहो। ये पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ की मूर्तियाँ, यहाँ की कलाकृतियाँ, दीवारों पर ये उकेरी गई मूर्तियाँ, कामुक मूर्तियाँ, मिथुन मूर्तियाँ, जो कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। बताते हैं कुछ इसके खास फैक्ट। क्या है पांच राज, आखिर क्या है, जिन्हें जानने की बहुत उत्सुकता रहती है। मध्य प्रदेश है, यह खजुराहो का मंदिर है। तो जब भी खजुराहो की बात आती है, पर्यटन की बात आती है, तो सबसे पहला नाम आता है खजुराहो, क्योंकि पूरी दुनिया में अपने मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जाना जाता है, खूबसूरती के लिए जाना जाता है। मंदिर की प्रसिद्धि इसलिए नहीं है कि यहाँ मौजूद ये देवी देवता बड़े यहाँ के चमत्कारिक है, बल्कि प्रसिद्धि इस वजह से है कि मंदिर के बाहर दीवारों में बनी मिथुन मूर्तियां, जिनमें काम कला की अद्भुत झलक देखने को मिलती है, बहुत ही खूबसूरत हैं। यहाँ आने वाले पर्यटक कई बार हैरान हो जाते हैं। आप इन्हें देखकर हैरान हो जाएंगे कि इन दीवारों पर इस तरह के चित्र क्यों उकेरे गए, क्योंकि मंदिर जहाँ आध्यात्मिकता और मुक्ति का बोध कराती है, तो वहीं दीवारों पर बने ये चित्र कामुकता और भोग की ओर ले जाते हैं। यानी दोनों ही चीजें दो विपरीत दिशाओं की ओर ले जाती हैं, है ना? दरअसल ये दोनों ही चीजें एक दूसरे के से बिल्कुल अलग है, बल्कि एक दूसरे को जोड़ती हैं, अलग नहीं है। यही कारण है कि ये खजुराहो के समकालीन और बाद के कुछ मंदिरों में भी इस तरह की जो मूर्तियां हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। ये पूरा बंच है यहाँ पर, बड़े बड़े मंदिर हैं, और उनके बाहर दीवारों से जब आप गौर से देखेंगे दीवारों पर, तो ये मूर्तियां हैं। इसके पीछे दार्शनिक दृष्टिकोण दर्शाया गया है। कहा जाता है कि मंदिर की बाहरी दीवारों पर मिथुन मूर्तियां बाहरी दुनिया का बोध कराती हैं, और ये पूरी दुनिया काम और भोग से भरपूर है, जबकि केंद्र में अध्यात्म, ईश्वर का वास है और मुक्ति है। और इसीलिए मुक्ति की कामना है तो भोग और काम माया दुनिया को बाहर रख करके अंदर प्रवेश करिए, यानी मंदिर के अंदर प्रवेश करिए, और बाहर की दुनिया की सारी बातों को बाहर ही छोड़ दीजिए, ऐसा कहा जाता है, ऐसा समझा जा सकता है। और दूसरा एक कारण जो कि मिथुन मूर्तियों को लेकर के समझा जाता है, वो ये है कि भगवान शिव को मैथुन सृष्टि का जनक माना जाता है, इसीलिए शिव के मंदिर को मिथुन मूर्तियों से सजाया गया है। तो यहाँ पे सारी जितनी कलाकृतियाँ बनी हुई हैं, मूर्तियाँ बनी हैं, ये भगवान शिव को समर्पित है, इसलिए बनाया गया है। और तीसरा कारण जो कि मिथुन मूर्तियों के लेकर के समझा जाता है कि मध्यकाल का जो वच और अवारण रहित होना सौंदर्य की परिभाषा के तौर पर देखा जाता था, इसलिए जो दक्षिण भारत की कई मूर्तियों में, और आपको साउथ में भी देखने को मिलेगा कि जो वच का अवारण रहित दिखाया गया है, इस बात का उल्लेख जो देवंत पटनायक ने देवी के साथ रहस्य की पुस्तक पर भी किया है। हालांकि देवी ने अपने गले में कई आभूषण भी धारण किए हुए हैं, जिससे कि वच का काफी भाग जो है वो ढका हुआ है, लेकिन यहाँ की जो मंदिर है, यहाँ की जो मूर्तियाँ हैं, खुले वच को दर्शाना इस सौंदर्य बोध का एक प्रतीक हो सकता है। कितनी सुंदर है, कितने सुंदर ढंग से बनाया गया है। और मंदिर की दीवारों पर मिथुन मूर्तियों को होने की एक और वजह हो सकती है कि संसार को चलाने वाले भगवान को पुरुष कहा गया है, और पुरुष सृष्टि को प्राकृतिक कहा गया है। प्राकृतिक और पुरुष का मिलन इस पूरी सृष्टि और ब्रह्मांड का आधार माना गया है, इसीलिए दार्शनिक भावना को दर्शाने के लिए मंदिर की इन दीवारों पर मिथुन मूर्तियों को उकेरा गया, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी माना जाता है। बहुत ज्यादा इसके बारे में रिसर्च है, बहुत किताबें लिखी गई हैं, फिल्में बनी हैं, और आज भी पर्यटक इतने ज्यादा आते हैं, इतना ज्यादा उत्सुक हैं इन चीजों को जानने के बारे में, और वाकई